गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभी क्लासेज डाउट्स में। और आपका सवाल है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व परिवर्तनकारी काल माना जाता है क्यों? यानी कि जो छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व है वह बहुत ज़्यादा परिवर्तनकारी माना जाता है, इसका क्या कारण है? तो आइए इसका कारण देते हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी काल माना जाता है क्योंकि तो इसी समय आरंभिक राज्यों का उदय हो रहा था, नगर बनने लगे थे, लोहे का प्रयोग बढ़ गया था, सिक्के का विकास होने लगा था, इसलिए चीजें बदल रही थी, तो इसीलिए इसे परिवर्तनकारी काल माना जाता है। साथ ही साथ नए धर्मों का उदय हो रहा था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी चीजों का विकास होने लगा था, ये सभी दार्शनिक विचारधाराओं का विकास होने लगा था, और यहाँ तक कि कुछ आगे चल के ये आगे चल के धर्म बन जाते हैं। तो इसीलिए छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में इतने ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, इतने ज़्यादा बदलाव होते हैं, यहाँ तक कि कुछ समय के बाद अशोक जो है युद्ध करने के लिए छोड़ देता है। तो ये सारे परिवर्तन के ही चिन्ह हैं और इसीलिए छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व को हम लोग परिवर्तनकारी काल मानते हैं। तो ये था आपके सवाल का जवाब। कैसा लगा सवाल का जवाब कॉमेंट करके बताइए, और ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस डाउट्स को। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।